हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तुम नहीं जीत रहे। में लिखा हुआ था पवन आर्या इन आर यू रशिया, ऑफिशियल चैनल में लिस्टेड है, आपने देखा नहीं तो। हाँ तो यही है इनका स्टॉल। आई होप आप लोग जीत पाओ, उस औरत को आप लोग का अच्छा लगे। ऑल द बेस्ट। ये हार्दिक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लास्ट स्टॉल पे। चलिए दिखाता हूँ, आ जाओ। तो ये लास्ट स्टॉल है गाइस। ये किन का स्टॉल है? ये आप लोग का स्टॉल है? ये इसका स्टॉल है। कुछ ड्रेसिंग सेंस नहीं, कुछ वो नहीं। उन्होंने कितने एथनिक पहने थे हमारे इंडियन लोगों ने, इनमें कोई दीन ईमान नहीं, बस खाना बना के पाइल कर दिया है पूरा। ठीक है, तो ये चाय है इनका, ये मस्त बियर वाले में, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं पीते थे दारू, वैसा इनका वेसल है। ये हनी है, ये उस वेसल में, ये वैसा वेसल है और उसमें हनी रखा है। हनी रशिया का फेमस है, रशियन हनी वर्ल्ड फेमस है गर्ल्स के बाद। तो ये पिज्ज़ा रखा है, ये उनका बिस्किट, वो मैंने खाया है, वो बहुत अच्छा होता है और सही होता है, अच्छी चीज़ें हैं। जूस वूस रखा है पर मुझे नहीं लगता वो इससे खुश। हाँ, इन्होंने चीज़ें ना अपनी ट्रेडिशनल रख रखी है, जैसे वुडन यूटेंसिल्स जो होते हैं वो उनके कल्चर का वो है, तो वो अच्छी चीज़ है। और यहाँ कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति पंजा लड़ाते हुए, दुनियादारी से मतलब नहीं। गाइस, जब मैंने अपना 10% दम लगाया तब तो ये इतने देर टिका। अभी मैं अभी अच्छा दल लगाता तो ये तो रशिया ही छोड़ देता। चलो चलते, ठीक है। ये लास्ट स्टॉल था, स्टॉल्स इतने ही थे गाइस, पर यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग पंजा लड़ाते हुए, मेरा तो आज बहुत हाथ दर्द कर रहा है, तब भी मैं ट्राई करूँगा कि अब थोड़ा सा इनको ट्राई करने दो। वैसे मैं दम नहीं लगाने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आइए, हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हम सच्चे रशियन का इवेंट देखते हैं, इंडियन ही तो नाच रहे हैं अभी गाइस। आओ, कल बना था नाचे। गाइस यहाँ पे कुछ मिल रहा है इनका डोसा टाइप, ये अच्छा होता है, ये अच्छा है बस। तो ये हम अभी ले रहे हैं, देखते कैसा होता है टेस्ट करके। यहाँ पे चाय मिल रहा है और ये लड़की, यहाँ पे चाय मिल रहा है और ये लड़की पूरे केतल में लेने आई है चाय, पूरे केतली में। सही है,
Chak de! India! Chak de! India! इन्होंने मालाएं पहन रहे हैं खाने को। ये चाय तो पहले ही ली थी, वापस ले ली। ये वही वाला डोसा वाली चीज़ पे, ये इनका क्रीम जैसा कुछ है, बहुत श्रीखंड जैसा है, बहुत अच्छा है। और ये इनका केक है मल्टी लेयर, ये इनकी ब्रेड सी, और ये पेस्ट्री टाइप का, बहुत अच्छा है। बनाया युवराज ने घिसा बना। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो आज हम आ चुके हैं पूरी दुनिया का टेस्ट करके। तो पहले हम देखते हैं इनके पास क्या है। इन्होंने पूरा खाना होता है, खा लिया था पहले। बहुत अच्छा अच्छा बना है रसगुल्ला, मजा आ गया। थैंक यू भाई। लेकिन गाजर का हलवा तो मैंने अभी मैंने खाया नहीं है गाइस, ये कह रहे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। खुश हो गए, शब्द नहीं है, गाजर का हलवा शब्द पहले खाऊं तो ऐसा गाजर नहीं है। तो मेरा वैसे मैं बहुत बार खा चुका हूँ इनका, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, रसगुल्ला बेस्ट बना है। जिन रशियंस ने भी टेस्ट किया उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया है। देखिए कितना खुश हो रहे हैं, इन्होंने बनाया है। ये इनका लाए है चुरला इनका, और ये रसमलाई है, ये हमने टेस्ट किया, ये बची नहीं है। लेकिन खाओ, अरे ऐसे ही खाओ ना चम्मच से। चम्मच भी तो स्पून नहीं है, चम्मच भी तो स्पून नहीं है। चॉकलेट बोलना चाह रहा कि फॉक है बस। गैस तो वो फेस्टिवल हो चुका है ख़त्म, और विद्या गया था चेस खेलने मेरे से बिना बताए स्पोर्ट्स बिल्डिंग में। दो गेम खेले, दोनों में हराया, और ढाई घंटे तक गायब था, ना मेरा फ़ोन उठा रहा था, ना कुछ रिसीव कर रहा था, ना मेरा मैसेज। रिस्पेक्ट द टाइम। वैसे सोच मैं कह सकता था गाली दे के कि जल्दी खेल, लेकिन मैंने उसे टाइम दिया सोचने का, और फोन पे को वेट करना था, और एक मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैं ढूंढ रहा हूँ इसे। डेडिकेशन गाइस, यही डेडिकेशन तुझे मार के लगा के छोड़ेगा। द पावर ऑफ द मोमेंट, जिस मोमेंट में रहो वही काम करो। किसी का फोन ही मत उठाओ। माइक इसके पास है और ये जो कनेक्टर है वो मेरे पास है। नहीं, इसका बॉयफ्रेंड नहीं लेंगे इसका। कैसी बातें करते हो गाइस, बॉयफ्रेंड को नहीं लेना चाहिए। नो डील गाइस। विद्या ने बहुत सारा खाना खा लिया जो भी वहाँ पे था। और अमन भाई को वापस भूख लग चुकी है। मैंने कहा खाया तो था, इन्होंने कहा कि उतना थोड़ी खाया था। मैंने कहा आपने नहीं खाया होगा उतना, मैंने तो खाया। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाएंगे। यस, ये यूनिवर्सिटी के पास वाला मोटी का शर्मा शॉप है, वो पीछे ही सुन रही है, उसको गुस्सा भी आ सकता है बहुत। वो उधम खोड़ किस्म की है वो, तो ये उसकी दुकान है, इसमें शर्मा वगैरह मिलता है। यहाँ का शर्मा बहुत अच्छा रहता है, चिकन वाला, तो ओनली चिकन डालोगे तोलको चिकन वाला, तो वो बहुत अच्छा रहता है। पर प्राइस भी उसका 250 का एक शर्मा देता है गाइस। इंडिया में 250 में 2.5 किलो बिरयानी खा सकते हो, तो ऐसा ही है। हंस रही है मोटी कहीं, ऐसे ही हंसो मत, ठीक है। अब दो दिखाऊँ, ये देखो। तो ये है, इसके अंदर आलू और मशरूम रहता है, 60 का है। जो भी चीज़ों में इन लोग इंडियन लिख देते ना, उसका प्राइस इन लोग 100 रुपये ऐड कर देते। ये दो ब्रेड के बीच में लगाए हुआ आलू 150 का है।
बहुत वो लगता है गाइस, हमें गुस्सा आता है। फर्स्ट ईयर वाले तो है ही पागल, पहले ही खरीद लेते हैं, तो ये भी प्राइस बढ़ाते चली जाती है। ये देखिए, ये छोटी सी मिठाई टाइप की है, इसमें ऊपर में कुछ होगा। ये 150 का एक है, तो कड़ेवर ही होना चाहिए उसमें, कैवियार होना चाहिए वो, वरना ये इतना प्राइस तो बनता नहीं है। गाइस वेलकम बैक। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा प्यारा विद्या, अरे कितना अजीब साउंड कर रहा है, मतलब विद्या चला गया हॉस्टल, और उसे कुछ काम था और मुझे भी कुछ काम था, इसलिए मैं सेंट्रल नहीं आया हूँ, कुछ सामान लेने थे तो, और उसे भी कुछ काम था इसलिए वो हॉस्टल चला गया। तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, आपका सुपीरियर व्लॉगर अभी बिजी है और मुझे ही व्लॉग करना पड़ जाएगा, क्या करूँ, आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा मेरे से ही। खैर, अभी हम आए हैं जेंडेन, ये शूज़ का शॉप है। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इन चीज़ों पे, यहाँ की शॉपिंग और जो प्राइस जो होते हैं, क्या चीज़ें मिलती है, जैसे कि जूते और कपड़े, जो भी चीज़ें होती हैं। बाकी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में ग्रोसरी और सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कैसे सब्जियाँ हैं, कितने में मिलती है, जो भी चीज़ें होती है, महंगी है या सस्ती है इंडिया से, तो आपको भी फ़र्क पता चलेगा। वैसे ही मैं क्या इन चीज़ों के बारे में बताऊँ आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करें, बाकी आपको दिखाते हैं। वैसे कुछ कुछ चीज़ें व्लॉग्स में पता चलती ही रहती है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे एक, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कंसल्टेंट की तरह बनाते हैं बच्चों को लाने के लिए, पर ऐसी बातें नहीं है, बच्चे खुद डिसाइड कर लेंगे व्लॉग देख के कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें हैं एज इट इज़ मैं बता रहा हूँ, तो जिनको भी आना होगा वो खुद ही देख के डिसाइड कर लेंगे कि क्या सही है क्या नहीं। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा कि आ ही जाओ, जो भी चीज़ें हैं यही हैं। बाकी मैं अपने कॉलेज और बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके कि कैसे, बाकी एडमिशन प्रोसेस और जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ों के बारे में, तो आप जुड़े रहें। बाकी आगे आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। गाइज, तो अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल, आज के लिए इतना ही, जो भी था आज का दिन अच्छा रहा, बाकी आगे दिखाते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी आप लोगों को कुछ देखना हो स्पेशल, या कुछ भी आपका जो मन हो जैसे टॉपिक पे देखना हो आप बता सकते हो, मैं उस पर व्लॉग बनाऊंगा या उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, दिस विद आने, गुड बाय।